वार्ड नंबर 36 में एक भाई साहब हैं, उनसे बात करेंगे। संतोष कुमार हुआ जी। सर ये बताइए, अभी चुनाव का माहौल है और सरगमी पे है, सर ये बताइए कि ये 5 सालों में, अभी 5 साल पे चुनाव आता है, इस जो चुनाव अभी है 28 तारीख को होनी तय हुई है, तो इसमें आप लोग का क्या मिजाज है और क्या मन बनाए हैं और कितना परिवर्तन हुआ है और कितना विकास हुआ? थोड़ा सा देखिए, परिवर्तन तो कुछ नहीं हुआ, रोड तो जहाँ तक पहले का था अभी और ध्वस्त हो गया जी। 15 साल में न रोड बना है न नाला बना है जी। और अभी का ये स्थिति है कि नगर निगम टैक्स बढ़ा दिया है और टैक्स के नाम पर देखिए कि घर के आगे कितना कूड़ा कचरा का अंबार लगा हुआ है। जरा उधर घुमा के यहाँ से वहाँ तक देखाइए। विकास कहा हुआ है? हम लोग तो नगर निगम से पानी लिए, उसका 1 लाख रुपया मुआवजा हम लोग देकर अपना लगा है, वो भी वार्ड पार्षद अपने को उठा लिए है, लेकिन गली देखिए कुछ नहीं है, नाला आप देखिए। दिखा दीजिए कैमरामैन को, फोकस करके दिखा दीजिए क्या क्या बदतर स्थिति है जो आप बताए हैं, जो 1 लाख रुपया हमसे लिया, मतलब जो दिया हाँ, नगर निगम को हम लोग अपना पैसा दिए थे पानी के लिए, मतलब वार्ड पार्षद से कुछ नहीं मिला? नहीं कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं मिला है। तो आप लोग ही एक चीज बताइए, आप लोग खुद चुनते हैं मेयर वार्ड पार्षद, कैसे चुन लेते हैं? अब चुनना क्या है, 15 साल था, इस बार परिवर्तन हम लोग चाहते हैं और परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन करेंगे, एकदम नया चेहरा चाह रहा है, नया चेहरा चाहिए जी, परिवर्तन हम लोग जी। तो सुविधा के ये है, इसमें मोहल्ला में जो है तो देख लीजिए सारा चीज, कैमरामैन फोकस करके चारों तरफ का दृश्य दिखा दीजिए कि क्या समस्या है। तो बहुत सारी समस्या है, हर गली हर तरह की समस्या है, इस समस्या में लोग जूझ रहे हैं लेकिन उनको कोई सुनने वाला नहीं है। भोर का सतुआ दुए दिन में तीने दिन में पी जाते हैं, बस ये सरकार है। तो सरकार से की मांगै छी, की मांग करै छी? हमरा पैसा दत, घर बनाबे लेल आ जमीन दत, पंदूर बस जी। सरकार से तनी बड़ के घर गोफा है बस। चाची जी के घर केने भेलै? कने ए घर है ऊपर में, थोड़ा सा हमारे कैमरा घर के घर ईटा वाला है।